एआर करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस से टॉप 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी अर्थात कि विद्युत चैप्टर से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में पीछे हम लोग लाइट चैप्टर से टॉप 40 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ सोशल साइंस के हिस्ट्री से यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद और साम्यवाद से हम लोग टॉप 35 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत चैप्टर से टॉप 40 एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा जो है अर्धचालक नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, करें विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, 1, 2 एवं 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अर्थात कि 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोध हैं जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो 3, 2, 5, 1, 6 ओम होगा, अर्थात कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो इसमें ताप का मान अचर रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, करें वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है? तो वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर जो है वो ओम को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, करें विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विभव का भी एसआई मात्रक आपसे पूछे तभी वोल्ट ही होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। सातवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कराए टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टंगस्टन पिघलना शुरू करता है। आठ नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नौवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहा है सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दसवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है आवेश का एसआई मात्रक है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसमें पूछा है क्वेश्चन निरूपित नहीं करता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन लिखा है I²R है, इसको स्क्वायर बोलिएगा। तो इसमें दूसरा नंबर जो ऑप्शन है अर्थात कि इसका सही आंसर होगा बी, I²R विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, करें 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य को किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि 24 जूल। ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है जो बहुत ही आसान टाइप के हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं,
कह रहा है 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक पूछा है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि 0.1 एम्पियर। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम के आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम होगा। ये सभी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई, तो 220 में 2 से भाग दीजिए 110 ओम आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर वी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर वी बटे आई। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है ओम का नियम का गणितीय रूप है, तो इसमें गणितीय रूप जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आई बराबर वी बटा आर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है ओम के नियम से, तो ओम के नियम से इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि आई समानुपाती होता है वी के। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है आर ओम प्रतिरोधों वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन बटा आर होगा तुल्य प्रतिरोध। 26 नंबर फिर प्रश्न न्यूमेरिकल से, कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वाट। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश अनुपात का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मान जो होगा 25 आएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, जो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किस उपकरण में धन अर्थात कि पॉजिटिव और ऋण अर्थात कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वोल्ट मीटर, यानी विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा, तो इसका मान 120 कूलम होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, तो ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
करें, आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न, कह रहा है एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन से बनता है? तो एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻¹⁹। यही प्रश्न पूछे यदि इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पे सिर्फ −1.6 × 10⁻¹⁹। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न, कह रहे हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है किलोवाट घंटा अर्थात कि KWH मात्रक है, तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है यदि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा या दोनों समान रूप से प्रकाशित होंगे? तो इस प्रश्न को ध्यान से देखने पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 वाट वाला बल्ब जो है वो अधिक प्रकाशित होगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।